तीनों कानून को वापस ले। ये किसान है, आतंकवादी नहीं, खालिस्तानी नहीं, किसान का बेटा है। ऐसे लोगों को खालिस्तानी करना, आतंकवादी करना बड़ी शर्म की बात है। तुम बनना चाहिए ऐसे लोगों को जो कहता है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के ढांसा बॉर्डर पर। तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पे बैठे हैं धरने पर। महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली के पूर्व एमपी आज किसानों को अपना समर्थन देने पहुँचे हैं। महाबल जी, क्या कुछ आपने व्यक्त किया, किसानों की जो पीड़ा है उसको आपने समझा होगा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज देश के निर्माण में किसान का बहुत बड़ा योगदान है। आज उसके साथ ये इन्होंने अन्याय हो रहा है। वो कहते हैं जो कि MSP गारंटी लाओ, किसान कहता है तो ठीक कह रहा है। वो कहते हैं जो तीन काला कानून जो है वापस लो। जब मांगा नहीं कानून तो ये कानून देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो सिर्फ धन्ना सेठ के लिए, धन्ना लोगों के लिए, अदानी अंबानी के लिए आप ये बिल बनाएं तो ये 70% देश का किसान उपज दे और आना पौना दाम बेच के उसके लिए खेती नहीं कर रहा, खेती अपने लिए कर रहा, देश के लिए कर रहा। देश हित पे आप किसान कानून वापस करें। मामा जी, एक तरफ किसान जो है वो अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार जो है वो अपनी जिद पर अड़ी है, किस तरह से देखते हैं? कोई समाधान निकलेगा? कितना लंबा आंदोलन चलेगा? सरकार अपने जिद पर नहीं, वो अदानी अंबानी के जिद पर रुका हुआ। वो सरकार का कानून कहाँ है? कानून तो उनके घर में बना है, उनके ऑफिस में बना है, वो कानून यहाँ लाके लागू कर रहे हैं। किसान कह रहा है जो मेरे हित का कजद करना है तो ये बिल वापस लो और दोबारा बिल लाओ। और बिल लाने में आप किसान के जो नेतृत्व हैं, जो किसान संगठन के लोग हैं, उनसे राय लीजिए और देश के हित में, किसान के हित में जो कानून है वो कानून बनाओ। MSP गारंटी जरूर लाओ उसमें। किसान आंदोलन लगता है लंबा खींचने वाला है, चूंकि तैयारी पूरी है किसानों की भी लंबे अरसे तक डटे रहने की और जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते तब तक बैठे रहने की। ये किसान हैं, देश के किसान और जवान, ये देश की रक्षा के लिए यदि जवान है तो किसान अन्नदाता है देश का। हम लोग जब बचपन में थे तो गेहूँ आता था अमेरिका से, रसिया से, आपको नहीं पता होगा। आज देश में ऐसे हमारा किसान हुए, संगठन काम किया, जो आज हमारा उपज इतना है। व्यवहारिक दृष्टि से देखिए तो आज हमें चाहते हैं जो हमारे उपज का सही मूल्य मिले और हमारा किसान जो सही मूल्य मिले और मूल्य के साथ साथ हमारा जो खेती का आपका कानून बनाना हो वो हमारे हित का, हमारे से राय लेके बनाओ। ये किसान कहता कहाँ नहीं बनाओ, कानून आप बनाओ लेकिन राय तो लो किसान से। ये देखिए, किसान को जो 26 जनवरी का जो हुआ वो किसान के लोगों का नहीं है, वो कुछ करवाया गया, किसके साजिश के तहत कराया गया। आप किसान वो कहता जो हमारे देश में राष्ट्रध्वज के साथ जो बदा हुआ वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको आप अरेस्ट करो लेकिन हमें बदनाम मत करो। किसान का बेटा हम हैं, आप बदनाम कर रहे हैं, हम राष्ट्रध्वज आपसे लेकर के, राष्ट्रध्वज किसका है? यदि आप देखें जो जितना भी स्वतंत्रता सेनानी हैं कहाँ से जाते हैं, कौन अपनी कुर्बानी दिया, तो कुर्बानी भी हम दें और आप पर आरोप भी लगे तो आप इंक्वायरी कराओ, जो कौन बना उसको जेल भेजो, हम तैयार हैं उसको जेल भेजने के लिए। हम सब किसान कहते हैं ऐसे जो किया है उसको तोड़ने की कोशिश किया। मैं विनोद गुड़िया, गुड़िया खाप का प्रधान हूँ और शुरू दिन से हमारा डासा बॉर्डर पर निरंतर धरना चल रहा है और जब तक चलता रहेगा, जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तो हमारी घर वापसी नहीं होगी। हम शांति प्रिय धरना देते रहेंगे, लगातार यहीं पर बैठे हैं। क्या लगता है सरकार अपनी जिद छोड़ेगी, किसानों की बातें मानेगी? सरकार ने जिद तो छोड़नी पड़ेगी। तो और मैं नरेंद्र तोमर जी को कहता हूँ, पहले तो कह देते हैं भाई इसमें क्या काला है, मैं तोमर जी से पूछता हूँ इसमें सफ़ेद क्या है, सारा ही काला है। आप ये कह रहे थे उसकी दो दिन पहले, उन्होंने तोमर जी ने कही है कृषि मंत्री जो, आप हमारे को ये बताओ इसमें सफ़ेद है क्या, टोटली काला कहते हैं हम इसको। आप किसान के बेटे होते ऐसे नहीं कहते बात। इसमें किसान जो आज लगातार पूरी दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है, ये दुखी कर रखा सरकार ने, और जब हमने ये चीज़ चाहिए ही नहीं तो क्यों इन पर हमारे ऊपर थोक रहे हो? हम के आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, किसान क्या जानता है तोमर साहब कृषि के बारे में? किसान तो ये जानते हैं जो धरती के बारे में, कितने फुट पे चोहा, कितने फुट पे चोहे के नीचे पानी लगेगा ना लगेगा, किले का कितने बाई का किला होता है। मैं तोमर जी से पूछता हूँ एक किले की कितने बाई कितने का होता है, को बता दे दो, आज तक बता दियो। तो
किसान तो जो कमेरा वर्ग आज जो यह रोड पर बैठा रखा है, हम किसकी सरकार की निंदा करते हैं। जो सरकार ये भाईचारे में फूट डालने की बार बार योजना बना रही है, हम इन बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे। जिसने भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कराया, हर एक किसान ये कहता है वो निंदनीय है, जिसने भी कराया उसकी हम कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। और लगातार बिल वापसी नहीं होगी तो हमारी घर वापसी नहीं होगी, हम शांतिप्रिय धरना ऐसे ही देते रहेंगे। 11 दौर की वार्ता अब तक हो चुकी है, आगे भी सरकार का न्योता है वार्ता के लिए। ऐसी वार्ता का फिर फायदा क्या है अगर कानून वापस नहीं होते, MSP का जो आपका वायदा है सरकार वो नहीं देती, तब वार्ता मेरे ख्याल बेनतीजा रहने वाली आगे भी। वार्ता सिर्फ दुनिया को बहकाने के लिए है, वार्ता करने की उनकी इच्छा नहीं है। वो सिर्फ मीडिया में ये दिखाना चाहते हैं कि हम वार्ता कर रहे हैं, लेकिन मन में काला है। अगर मन में काला नहीं है तो वार्ता की जरूरत ही नहीं है। वो वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि हम इस कानून को बदल रहे हैं या ये बदल रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उस पर श्वेत पत्र ला के दिखाएं कि हम ये करना चाहते हैं, हो सकता है लोगों की समझ में आ जाए। वार्ता एक ढोंग है। मोदी जब तक नहीं चाहेगा, और मोदी क्या, अडानी और अंबानी जब तक नहीं चाहेंगे, जब तक इस कानून पर ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिके हुए हैं, इन्होंने ठेका ले रखा है। अब पूरे किसानों की जमीन को ठेके पे लेके और अपने कब्जे में कर लें। मोदी साहब का संबोधन होने वाला है आपके प्रधानमंत्री का संसद में, क्या कुछ उम्मीद करेंगे आपके लिए, क्या कुछ कहें वहाँ पे? देखिए, मोदी जी जो कहेंगे उन्होंने अपना एजेंडा सेट कर रखा है। जो आज 75 दिन के लगभग जमींदार यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी दिखाई दे रहा होगा, वे किसी खुद जमींदारों के दबाव में नहीं, बल्कि वे किसी और सेक्टर के दबाव में जो मोदी जी हैं। वरना आज देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे बड़े बुजुर्ग किसान जो आज धरनों पे बैठे हुए हैं, पूरे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उसके बारे में वे क्या कहेंगे। अगर कहना होता उन्होंने तो इससे पहले फैसला वे ले सकते थे। तो मोदी जी से कोई आंदोलन के राजनीतिकरण की बात की जा रही है, क्या आंदोलन राजनीति से प्रेरित है कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है? देखिए, आज लोकतंत्र बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये चल रहा है कि यहाँ पर विपक्ष में यदि इस भाजपा के जो सरकार जो बनी हुई है इसके खिलाफ यदि आप अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। अभी आपने कहा कि 11 दौर वार्ता हो चुकी है, एक कलम से तो एक आवाज़ से ये कहता है कि ये खालिस्तानी है, ये राष्ट्र विरोधी है, और दूसरी तरफ ये हमें 11 बार बुलाता है, ये समझ में मेरे बिल्कुल नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान अपनी बात रखते हुए, देश के जवान अपनी बात रखते हुए, सब लोगों का स्थायी तौर पर मानना है कि जब तक घर वापसी नहीं होगी तब तक कानूनों की वापसी नहीं हो जाती। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।